हाथ जोड़ के डॉक्टर साहब माफी मांगता हूँ, लोगों को सफर मत कराइए। लोग आप हड़ताल पर चले गए हैं, लोगों का जो लाइफ रिस्क वहां पर है, ऑलरेडी हेल्थ केयर इज वर्स्ट। आप मेरे पास आइए, मैं एक लिस्ट दे दूंगा, जैसे मैंने इससे पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी दिया है। आपकी ऑक्सीजन की सप्लाई और क्वालिटी खराब है, वो इंश्योर करना आपका है कि वो सही आ रही है नहीं आ रही है। वहां पर जब मैं गया, 5 घंटे से एक मोहतरमा सफर कर रही थी, उसका बेटा रो रहा था, वो कह रही थी कि मुझे बचाइए, मुझे कहीं रेफर कीजिए। आपने मुझे बोला कि ये बस इतना ही ट्रीटमेंट हो सकता है यहाँ। मैंने कहा कि अगर आपकी अपनी माँ होती, मेरी माँ होती, आप क्या करते? आपने बोला कि मैं इसको रेफर कर लेता या कहीं और जाता। जैसे मेरी भी ये फितरत है, मैं अगर SMHS जाता, फिर दिल्ली जाता, स्किम्स जाता, मुंबई जाता, अमेरिका जाता, तो उनको मैंने बोला रेफर कीजिए, लेकिन आपने लेट कर दिया। अगर वो डेथ मेरी वजह से हुई है, होल्ड मी रिस्पॉन्सिबल। अगर वो आपकी वजह से हुई है, अल्लाह ताला ने तो उसकी किस्मत में लिखा था, लेकिन अगर हमारी कुछ केयरलेसनेस हुई थी तो सीख लीजिए, वरना पीपल विल होल्ड यू रिस्पॉन्सिबल इन फ्यूचर। देर आर मल्टीपल प्रॉब्लम्स, देर इज इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिसिट, अ रेस्पिरेटरी पर्सन हैज़ टू कम देयर। वहाँ मास्क नहीं दिया जाता है, मास्क 4,500 रुपये के उन गरीबों को खरीदना पड़ता है। मैं अपने अवाम की मुसीबत दूर करने निकला हूँ, अपने अवाम के लिए निकला हूँ। मेरे कॉरपोरेटर साहिबा यहाँ है, जिन्होंने मेरे साथ शाना बशाना वहाँ चले, जिनके पास कंप्लेंट आई, इनकी कंप्लेंट पे हम 5 सेकंड नहीं रुके, हमने सारा काम छोड़ के बोला हम जाएंगे। डोमेन की बात कर रहे हैं, वहाँ पर आपने मास्क क्या क्या किया है, रुपये में उसको खरीदना पड़ा जबकि आपके स्टॉक में था, आपने माफ़ी मांगी। सिंपल बात है, ABG एनालाइजर वहाँ चल नहीं रहा था, आपके डॉक्टर रेफर कर रहे थे उसको तो SMHS, आपने उसको SMHS रेफर तो कर दिया, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? उसमें बैटरी की प्रॉब्लम है। आपकी जो डिप्टी मेडिकल सुपरिटेंडेंट है, उन्होंने बोला ये जी कोई मसला ही नहीं है, नया बंदा है। अब नया बंदा है, सुबह 12 बजे से आपका ABG एनालाइजर नहीं है, जो आपका रेस्पिरेटरी एनालाइज करे उसको आप रेफर कर रहे हैं, फिर वापस ला रहे हैं, 100 सीढ़ियाँ ऊपर 100 सीढ़ियाँ नीचे। आधा दर्द तो इसी चीज़ से बढ़ गया, पेशेंट कहाँ ठीक होगा? काफ़ी डिफिकल्टीज हैं। आपकी वहाँ फेंसिंग नहीं है, आपके वहाँ प्रॉपर हीटिंग नहीं चल रही थी। ये आप लोगों का भी फ़र्ज़ बनता है देखना कि मेरे मरीजों का क्या हाल है। अब आप मुझे ब्लेम करेंगे, मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ, भाई हड़ताल मत करो, लोग सफ़र करेंगे, इसी लोग को सफ़र करने के लिए हम वहाँ पर गए थे। डॉक्टर भी बखूबी जानते हैं, दवाइयों की कमीशन लोग नहीं खाते, दवाइयों की कमीशन कौन खाता है? नकली दवाइयाँ बिक रही हैं, क्यों बिक रही हैं, कैसे बिक रही हैं? बंद होगा, बदलाव आया है। आप ये चीज़ समझ लीजिए कि हमने टांग अड़ा दी है बेहतरी के लिए, बदलाव के लिए। लोगों की मुसीबत दर्द कर्ब हम समझते हैं। वी विल रेस्क्यू आवर पीपल, वी विल कम टू द रेस्क्यू ऑफ आवर पीपल। दिस इज़ व्हाट वी आर हियर फॉर एंड दिस इज़ कम्प्लीटली आवर डोमेन। वी आर गोइंग टू चेक, वी प्रोवाइड द लाइसेंस फॉर योर क्लिनिक्स, वी प्रोवाइड द लाइसेंस फॉर द हॉस्पिटल्स। अगर आपके क्लिनिकों में अच्छी फैसिलिटीज़ हैं, अगर आपके क्लिनिक्स में अच्छी तरह देखा जाता है, अस्पतालों में लोग क्यों कहते हैं आप लोग अच्छी तरह नहीं देख रहे हैं? ये मैं नहीं कह रहा, मैं अपने लोगों की आवाज़ दर्द कर्ब आप तक पहुंचा रहा हूं। मेरे लोग जो हैं वो कमीशन नहीं खा रहे हैं। मैं कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं करने आया हूं, मैं कह रहा हूं आओ बैठें, इसका हल ढूंढे, बेहतरी के लिए आगे चले। लोगों का हेल्थ, हेल्थ इज प्रेशियस, लाइफ, लाइफ इज प्रेशियस, इसको बचाएं। ये आप और मैं दोबारा नहीं दे सकते हैं, हमें कोई भी कोताही इसमें नहीं करनी चाहिए। बाकी मेरे पास लिस्ट है, मैं लिस्ट के लिहाज से अगर बोलूं, आपकी बिल 2 करोड़ रुपया है, आपके वहाँ स्टाफ क्वार्टर्स हैं, उनमें से लोग रिटायर्ड भी निकले नहीं है, आपने क्या किया, आपने किन को लिखा, क्या क्या उसमें डेवलपमेंट हुई, आपस में अंदरूनी तरीके से बात करेंगे। लेकिन जो हमने किया वो अपने लोगों के लिए किया, और आई विल स्टैंड by that I will not bow down to any pressure or succumb to any pressure because I am there for my people. Patients ki main baat karunga, wahan bathroom bhi unke nahane ke liye nahi hai. वहाँ के पेशेंट्स की बात करूँगा, अगर आप 5-8 लोग वहाँ जाएं, एक ज़रूर बीमार होगा। जब मैं यकीन मानो, मैं जब वहाँ गया, माई फिरन इज़ माई प्राइड वहाँ लगा के गया था, फोटो में एविडेंट है। वो फिरन मैं जब घर पहुँचा, मेरे कॉरपोरेटर भी जब घर पहुँचे, उसमें स्मेल आ रही थी, वी वे स्मेलिंग। आप लोग जाइए, वहाँ का हाल देखिए, वहाँ के लोगों से पूछिए, वहाँ के पेशेंट्स सहमे हुए हैं, वहाँ के पेशेंट्स को खास केयर नहीं दिया जा रहा है। हर अस्पताल से कल से मेरा व्हाट्सएप चोक हो गया है, हर अस्पताल से मैसेजेस आ रही हैं, यहाँ भी आइए, वहाँ भी आइए। डॉक्टर्स नाराज़ हैं, नाराज़गी दूर करो। लोगों को आप सही तरीके का हेल्थ केयर आप दे दीजिए, अपनी तरफ से आप कर रहे हो। आई अप्रिशिएट फ्यू ऑफ यू, सम ऑफ यू, मेनी ऑफ यू,
But if there is some lapses, we have to correct them. If we have, you know, shown, or if we have, you know, just done something to, you know, isko lapses ko dikhaye, appreciate that. We will together work. Mera WhatsApp choked hai messages se, LD IA, Skims IA, SMHS IA. Aap log bhi ek round de dijiye, aapke samne picture clear ho jayegi. बाकी अस्पतालों में और डॉक्टर साहिबों के और साहिब के क्लिनिक्स पे भी जाएंगे, वहां भी देखेंगे जिन लोगों को आप इंतजार करा रहे हैं, क्या उनमें हीटिंग लगी है, क्या मेरे लोग जो इंतजार कर रहे हैं अपनी टर्न के लिए वो भेड़ बकरी की तरह इंतजार तो नहीं कर रहे हैं। अपने क्लिनिक्स को इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिसिट मत रखिए, आपकी आमदनी अच्छी है और उन पर भी वी विल गो एंड वी विल चेक। क्लियर द कंफ्यूजन्स दैट एनीथिंग लिविंग एंड नॉन लिविंग इन द श्रीनगर सिटी इज आवर डोमेन, वी आर डूइंग एनीथिंग एंड एवरीथिंग फॉर आवर पब्लिक। अगर आप भी इस चीज के लिए खड़े हो जाएं, कल डॉक्टर आपको बोले क्या ये आपका डोमेन है, ये नाजायज बात है। आपके आप एक आम इंसान के लिए अकाउंटेबल और आंसरेबल हो रहोगे और इंशाल्लाह हम पब्लिक को ऐसा एम्पावर करेंगे, ही विल होल्ड यू रिस्पॉन्सिबल। ने चूंकि आप बात का खुलासा कर ही दिया है, आप उन मरीजों से पूछिए, कहते हैं मुझे सिर्फ पेंटॉप दिया जाता है, बाकी चीजें मुझे खरीदनी पड़ती हैं, मुझे जी ये वो ये लाना पड़ता है, डॉक्टर खुद एक्सेप्ट करता है। लैप्सिस किसके हैं, लिखा किसको है, बोला किसको है, मरीज को आप देखते हो, मैं तो नहीं देखता हूँ मरीज को। अगर आपने देखा है, लिखा क्यों नहीं है, मेरी तरह पब्लिक को क्यों नहीं बुलाया, मेरी तरह वीडियोस क्यों नहीं वायरल डाले, मेरी तरह मीडिया को क्यों नहीं बुलाया। बचाओ अपने लोगों को, बचाओ अपने इन यू नो वालिद वालिदैन भी कल आपके उसी बेडों पे बैठ सकते हैं। बेड की हालत देखिए, लिनन की हालत देखिए, कटा हुआ टूटे फूटे बेड, लिखिए पब्लिक को लाइए। अगर गवर्नमेंट के लैप्सेस हैं, गवर्नमेंट को अकाउंटेबल बनाइए, गवर्नमेंट को आंसरेबल बनाइए। यही हमारा काम है, हमने वो किया है और बखूबी हम अपना काम जानते हैं।